हेलो एवरीवन, हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? सॉफ्टली स्टार्ट करिए सर. ओके, नाउ इट्स स्टार्टेड. सो हियर आई एम विथ एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन फ्रॉम लॉ सीडी 3 इयर्स. सो स्लॉट 1 से गाइस, जो मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया था, माय सेंटर वाज ठाकुर कॉलेज, कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक, इट्स इन मुंबई. ओके, सो मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 11 AM का था. सो एज पर मी जो भी एक्सपेक्टेशन था क्वेश्चंस का, वो सारे क्वेश्चंस थे, इजी था. एंड हियर वी विल डिस्कस एवरीथिंग, हाउ वाज द पेपर एंड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन, इट मींस रीजनिंग सेक्शन एंड जीके सेक्शन आल्सो. एंड आफ्टर दैट यू पीपल विल गेट द कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम द रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश एंड लीगल सेक्शन आल्सो. सो बेसिकली मैं जीके पे आप लोगों को एक्चुअल क्वेश्चंस का एनालिसिस दूंगा, थोड़े से रीजनिंग से रिलेट करके भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट एंड एनीथिंग एल्स, सो वी विल डिस्कस हियर. ओके, सो वो सब देखेंगे. एंड एक्चुअल क्वेश्चन देखना ही है, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड जिन्होंने एग्जाम्स अपियर किया है उनको परफेक्टली उनके आंसर्स मिल जाएंगे. एंड क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन था, इस बेसिस पे आप इवेल्युएट कर सकते हो. How was your answer and how many answers may be correct as per this analysis, जो आपने appear किया है, जो आपने mark किया है. Sir, voice नहीं आ रही है. Is it guys? Voice नहीं आ रही है. What about others? I think my voice is fine. Please type yes if everything is fine. Okay. So as I expected, कि कैसा questions होगा, जो मेरा guess था कि डिफरेंट एरिया से, जो स्पेशली करेंट अफेयर्स एंड जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जीके एंड करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके जनरल अवेयरनेस सेक्शन बोलते हैं, राइट. सो स्टैटिक एंड करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, सो बेसिकली एज पर स्टडे जो कल के दोनों स्लॉट थे एंड आज के भी जो भी हमने अटेम्प्ट किया, उस बेसिस पे हम ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि स्टैटिक ओरिएंटेड ज्यादा दे रहे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्टैटिक ओरिएंटेड है, करेंट अफेयर्स से वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, बट एरिया सारे कवर हो रहे. जो एरिया है डिफरेंट डिफरेंट एरिया, इट मींस हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस है. और जो मेरा सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, अगर मेरा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर जीके एंड करेंट अफेयर्स, इवन यू आर मैन्युअल स्टूडेंट आर नॉट, बट जितने मैंने गाइडेंस के वीडियो बनाए थे, जो एरिया आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जाम्पल रिवर से क्वेश्चन जो कि हाईली एक्सपेक्टेड होता है, वो आया था क्वेश्चन. आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन था, वो भी क्वेश्चन आया था. एंड अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं, अभी और भी डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिले. सर ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ना? एग्जैक्टली सूर्य रहेगा, ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा. ओके, साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन स्पेशली लॉ एंट्रेंस में अब तक कभी नहीं आते थे, जो अब आना शुरू हुए क्वेश्चन सर कुछ सेम. हाँ, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई कल अपियर करने वाला है ना, उसके लिए गुड न्यूज है कि ये क्वेश्चन आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना. फॉर एग्जाम्पल कंट्री कैपिटल करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना. जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो जैसे टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट, इसके इन्वेंटर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना. साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बेसिक विटामिन से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ विच विटामिन, लैक ऑफ विच विटामिन, कौन से डिसीजेस होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस ओरिएंटेड फोकस कर लोगे तो बेटर होगा. इस पेपर एनालिसिस को देखने के बाद काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को. ठीक है, आवाज कम आ रही है, आई थिंक माय वॉइस इज गुड गाइस. मैंने यहाँ पे फुल करके रखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम ऐसा है. ओके, इज इट फॉर एवरीवन? वॉइस का इश्यू है क्या सबको? ओके, सो दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, दोज हु ऑलरेडी अपीयर्ड, जिन्होंने अपीयर कर लिया है. फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट भी अभी हो गया होगा 2 to 4, सो उसका भी एनालिसिस कुछ मिलेगा तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड, बट एक्चुअली वो हमने अपीयर नहीं किया है. तो जो मैंने खुद ने अपीयर किया, उस बेसिस पे सारे कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को एक्चुअल क्वेश्चंस का देने वाला हूं. ओके, सो उस बेसिस पे मिलेगा. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर टुमारो, जिनका कल एग्जाम्स है, उनके लिए एक ये समझो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल सेशन होगा. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुछ रिमेनिंग रह गया तो उस एरिया पे आप फोकस कर लो. इट मे बी आल्सो पॉसिबल सम क्वेश्चन मे बी रिपीट. लॉ सिटी 5 ईयर में 3 to 5 क्वेश्चन जो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों शिफ्ट में रिपीट हुए थे, आज के भी कुछ रीजनिंग सेक्शन में डायरेक्शन के क्वेश्चन रिपीट हुए गाइस. डायरेक्शन के क्वेश्चन जो कल लॉ सिटी 5 ईयर्स में आया था, आज के जो मैंने अपीयर किया उसमें भी वही क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन का सेम क्वेश्चन आया था.
तो अब सीईटी बहुत ज्यादा एफर्ट तो नहीं कर रहा है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, तो आप लोगों का बेनिफिट है जो भी इस सेशन को देख रहे हो वो, इट मींस कि जो भी हम सजेस्ट करें, जो भी आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना, उसी के लिमिट में थोड़ा सा आप प्रिपरेशन बेटर कर लो, अगर से आप कर पाओगे तो बेटर होगा। मतलब इट मींस आपको एक बिफोर अपियर द एक्चुअल एग्जाम, एक इन अ बेटर वे एक सॉल्यूशंस मिल जा रहा है। सर आवाज कम आ रही है, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, इज इट मैनेजेबल और हाउ इज इट, इज इट मैनेजेबल गाइस, इज इट मैनेजेबल, मैनेजेबल भी नहीं है, क्लियर है, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हो, नो इशू, ठीक है। इट मींस दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम अदर एंड गाइस, आपके एंड से भी हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन, एंड हियर इज द वन इंफॉर्मेशन, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। सो जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हो दैट इज फाइन, जो इसको बाद में इस एनालिसिस को देखेंगे फॉर मेक द स्ट्रेटेजी फॉर द जीके सेक्शन फॉर लॉ प्रिपरेशन, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2023 या 2024 के लिए आप प्लान कर रहे हो, सो हियर यू कैन ज्वाइन इफ यू आर मुंबई बेस्ड, तो लाइव क्लासरूम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, आउट ऑफ मुंबई हो तो लाइव के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड एग्जैक्ट टू द पॉइंट डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड जो भी मेन्यूवर के स्टूडेंट रहेंगे उन्होंने देखा होगा कि कितना इजिली वो पेपर अपियर किए होंगे, बिकॉज टू द पॉइंट सारे कॉन्टेंट है, रीजनिंग सेक्शन से भी जो भी एक्सपेक्टेड था, इट मीन्स सिलोजिज्म से, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फाबेट, क्लॉक, कैलेंडर, मैंने देखा, जो मैं खुद सेशन लेता हूँ, मैं रीजनिंग के जो खुद सेशन लेता हूँ, जिस जिस क्वेश्चन टाइप को एक्सप्लेन किया था सारे क्वेश्चन आए थे, इट मीन्स रीजनिंग सेक्शन से 30 आउट ऑफ 30 का पूरा एक्सपेक्टेशन है। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपकी वीक है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, बट ट्रेडिशनल रीजनिंग 100%, मतलब 20 क्वेश्चन फिक्स था विद इन द 10 मिनट, 10 मिनट आप इजिली डायरेक्शन, सिलोजिज्म, अल्फाबेट टेस्ट एंड क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सब सारे इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ इमेज टाइप के भी आए थे, विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आए थे, तो ये नया चीज था जो अभी तक नहीं आया था, तो इस तरह से ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। ओके गाइस, सो आपको ई बुक्स एंड बुक्स मिल जाएंगे, शॉर्टकट एंड बेस्ट शॉर्टकट मिलता है, जो हम हमारी रिसर्च टीम है, हम लोग खुद रिसर्च करते हैं पेपर एनालिसिस करके, किस लेवल की डिफिकल्टी लेवल है, किस क्वेश्चन कितने कम टाइम में सॉल्व होता है, तो ये आप देख सकते हो, तो बेस्ट शॉर्टकट मिलता है, इंडिया का सबसे बेस्ट शॉर्टकट। डाउट क्लासेस आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, सब सारी फैसिलिटी है डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए। तो अदर लॉ एंट्रेंस क्लैट स्लैट अगर आप टारगेट करो तो हियर यू कैन इंक्वायर, नंबर इज गिवन 8828581455, और यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट www.minivareadio.com/law-entrance, ठीक है। आफ्टर दैट कम टू द क्वेश्चन पार्ट, आई नो यू पीपल आर वेटिंग फॉर इट, पॉसिबल कट ऑफ फॉर जीएलसी फॉर अदर महाराष्ट्र स्टूडेंट। अभिषेक आई थिंक ना जो मेरिट जाने वाली है वो नियर बाई 140 से लेके 120 के बिटवीन होगी, स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। अब आप सोचो कि आपकी कम से कम 130 एबव होनी चाहिए, जो 10% का रिजर्वेशन है आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए 10% है, तो नियर बाई 130 से कम रहा तो प्रॉब्लम हो सकती, बिकॉज एज पर द पेपर, जो पेपर का लेवल है उस बेसिस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। सी द क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन देख लो जिन लोगों ने अपियर किया है, एंड जो कल अपियर करें इसी के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो गवर्नमेंट की अभी रिसेंटली ऑपरेशन था देवी शक्ति, जो इवैक्यूएट किया गया सारे इंडियंस एंड फॉरेनर्स को फ्रॉम द तालिबान, जो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, उसी से रिलेट करके पूछा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स वाज इवैक्यूएटेड द इंडियन सिटीजंस एंड फॉरेन नेशन फ्रॉम द अफगानिस्तान, सो ऑपरेशन देवी शक्ति, वेरी सिंपल, हमने करंट अफेयर्स में भी इसको कवर किया है, हमारे करंट अफेयर्स के बुक में है, पीडीएफ में भी है, क्वेश्चंस में भी है, तो ये बहुत ही वेल नोन करंट अफेयर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, दैट इज नागालैंड। अब देखो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इस पे फोकस तो नहीं किया, बट नॉर्थ ईस्ट पे हम क्लासरूम में भी डिस्कस करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है, मैप है इंडिया का मैप, उस बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो अगर से किसी को मैप की अंडरस्टैंडिंग होगी तो काफी इजिली वो मार्क कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। वट वॉज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, आदित्य मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, इस क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव द आंसर, ऑल ऑल क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा वन बाय वन करके, ठीक है।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ G20? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, G20 का अभी मीटिंग्स भी हुआ था तो उसी से रिलेटेड करके ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो ऑस्ट्रिया इज नॉट मेंबर. सर MBA में सेक्शनल वाइज होगा या जंबल? सेक्शनल वाइज ही हो रहा है करंट, सो सेक्शनल वाइज ही होने का पूरा चांस है. सेक्शनल वाइज को ही एक्सपेक्ट करके आप एग्जाम्स कॉपियर करो. देखो, नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू ज्वाइन द ऑफिसर रैंक ऑफ द IPS. आपको पता है ना, हम लोग बहुत स्कूलिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, हुई द फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर किरण बेदी. काफी वेल नोन पर्सनालिटी है किरण बेदी को, आपने देखा होगा. इन्होंने फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी का चालान भी किया था, सिग्नल के लिए, या फिर सीट बेल्ट उस जमाने में कुछ तो था. सो उन्होंने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स का चालान किया था, किरण बेदी. सो दैट्स व्हाई शी वाज वेरी फेमस ऑन दैट टाइम. बट शी इज द फर्स्ट IPS ऑफिसर. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. अब अगर आपको थोड़ा सा मेरा शॉर्टकट वाला मेथड याद होगा कि माई अर्ली मदर सर्व द पिज्जा, जो मैंने बनाया था सारे प्लैनेट को, प्लैनेट के नेम को रिमेंबर करने के लिए, तो उस बेसिस पे भी आप इजिली आंसर कर सकते हैं. तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और हमारे जियोग्राफी सेशन का पहला स्लाइड ही यही है, टू अंडरस्टैंड द आवर सोलर सिस्टम. ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन इजी था. सारे क्वेश्चन यहाँ पे इजी है. यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप एंड जियोग्राफी. थोड़ी सी अगर से पता नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना नॉर्मल स्टूडेंट में, वहाँ के कैपिटल, वहाँ का जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, तो अगर से है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. बाय द वे, अदर क्वेश्चंस आर वेरी इजी. देन थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाई. देखो, इस टाइप के न्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि कभी गवर्नमेंट SSC एग्जाम्स में पूछा जाते थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. बट यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन मैंने लॉ में लास्ट 2018 से नहीं देखा था, बट अभी ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं. सो इटालियन सैंटोरियो इज अ नेम ऑफ दैट पर्सन. तो किसी को अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मिनिवर के जिसने भी स्टैटिक GK का बुक फॉलो किया होगा उसमें ये सब सारी चीजें हैं. फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड साइंस ओरिएंटेड, सारी चीजें इंक्लूड की गई है. ओके, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. सो अतुल सिंह चीमा बोलते हैं इनको, ही इज द फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटी. तो ये भी आपको कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज के टाइप के क्वेश्चन है. एंड मिस्टर सुदर्शन सॉ इज द स्कल्प्टर फ्रॉम द पुरी रिसीव अवार्ड. देखो, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन इनको अवार्ड मिला था 2021 में. अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था पद्म विभूषण, बहुत इजिली मार्क कर सकते थे क्योंकि इनका नाम पद्म भूषण में तो था नहीं, और पद्मश्री से हार्डली क्वेश्चन पूछता है. तो पद्म विभूषण में थोड़े से मतलब इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मतलब अगर से प्रायोरिटी देखो तो पद्म भूषण होता है सबसे टॉप पे, देन पद्म विभूषण एंड पद्मश्री. ओके, एंड जब भी मेरा आप लोगों ने गाइडेंस देखा होगा अवार्ड सेक्शन से, तो पद्मा अवार्ड इज अ वेरी हाईली एक्सपेक्टेड. तो ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया था. उसके बाद सेसक्वेंटेनियल रेफर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अब ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि हट के थोड़ा सा नॉलेज, मतलब नॉर्मल करंट अफेयर्स सॉरी स्टैटिक GK में हम नहीं पढ़ते, तो ये 115 ईयर्स को बोलते हैं. तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी वो मार्क कर सकता है, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है इस क्वेश्चन में. बाय द वे, 10th नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर द कोविशील्ड वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19. देखो, कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट 2020 से कंटिन्यू, जैन जुलाई से कंटिन्यू वैक्सीनेशन. लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, इस ईयर भी क्वेश्चन आया, तो सबको पता होगा सेरोम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज रिलेटेड टू कोविशील्ड. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था. देन पैदोमीटर इज यूज टू मेजर. अब ये भी साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है. देखो, मेजरमेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं. ओशियन डेप्थ, ऐसे ही क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी मेजरमेंट से रिलेट करके एक क्वेश्चन आया था लॉस 85 ईयर में. तो जो भी लॉस 83 ईयर कल अपियर करने वाले हैं, इस वाले चार्ट को जाके पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा. ओके, रामसार कन्वेंशन विच इज द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनेस्को ट्रीटी साइन इन द ईयर 1917 प्राइमरली डील विद. देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली कहां से है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नेशनल पार्क, वेटलैंड, बर्ड सेंचुरी. अब वहां से एग्जैक्टली तो नहीं पूछा, बट रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड. ये हमने बहुत बार स्टडी किया होगा, राइट, बहुत बार स्टडी किया है. अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स रिलीज हुआ, इन्वायरमेंट डे भी था, ये सब सारी चीजें अभी जून में चल रही थी, तो उसी से रिलेट करके ये यहाँ से पूछ लिया गया. ओके, तो वेटलैंड है, सिंपल क्वेश्चन है. डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट पर्सन टू. अब देखो, इसका आंसर है कृष्णा रिवर. अब ये भी कंटिन्यू कृष्णा एंड कावेरी जो डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट, आप फ्रीक्वेंट न्यूज में पढ़ते रहते हैं, और रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन इज हाईली एक्सपेक्टेड, और वो यहाँ पे पूछा गया है. तो ये भी जो मेरा गेस था, इट इज देयर. ओके, आफ्टर दैट द टर्म्स
कॉलीवुड इज यूज फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. अब जिसको थोड़ी सी साउथ मूवी में इंटरेस्ट होगा वो इजिली आंसर कर सकता है. तो तमिल लैंग्वेज में जो मूवी बनती है ना उसको कॉलीवुड बोलते हैं. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा. सो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखें सो द हबल स्पेस टेलीस्कोप. गोदावरी इज ऑल्सो देयर बट ऑप्शन कृष्णा वहां पे था. कृष्णा वहां पे था, गोदावरी नहीं दिया था. मैंने इस आंसर को नोट करके भी लेके आया था कि यही आंसर राइट है. सर स्लॉट टू पजल सिटिंग था क्या? स्लॉट वन में अक्षर पजल्स नहीं था. स्लॉट टू का अभी फीडबैक लेना बाकी है. कुछ स्टूडेंट है हमारे, उनसे फीडबैक लेके देन वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन. बट स्लॉट वन में पजल्स नहीं थे. ओके. प्रेजेंटली हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अभी ये इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को नहीं पता होगा तो फिर समझो फिर वो क्या स्टडी कर रहे हैं. ओके. सो देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ मलेशिया? दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सो गाइज दोज हु आर गोइंग टू अपियर टुमारो, जो भी कल एग्जाम्स अपियर करने वाले हैं, थोड़े से नेबरिंग कंट्री के, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, थोड़े से गल्फ कंट्री के कुछ देख लो, डॉलर से रिलेट करके जितने कंट्री हैं उस पे फोकस कर लो, पॉसिबिलिटी है पूछ लेगा. ओके. इन 2021 इंडिया विटनेस द साइक्लोन. साइक्लोन भी मोस्टली पूछता है, वो भी यहाँ पे पूछा है. सो ताउते एंड अफान दोनों है, जो कि एक अरबियन सी में है. ताउते एंड अफान बाई ए बंगाल. सो ये दोनों यहाँ पे है, आप देख सकते हो. साइक्लोन से पूछा है 2021 में, जो 2018 में भी पूछा था फानी साइक्लोन से रिलेट करके, जो कि उड़ीसा स्टेट में हिट किया था. 19 नंबर आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स बाय यूएसए अफगानिस्तान हैज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ, सबको पता है तालिबान. पता है कि नहीं तालिबान? अभी तालिबान का वहां पे चल रहा है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैक्सीन कोविड-19 से रिलेट करके नहीं है? तो देखो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन भी लिख दिए क्योंकि मुझे याद हो गया था. तो स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड कोवी फाइटर. तो ये तो वैक्सीन है, ये सारे वैक्सीन है, तो इसमें वैक्सीन कौन सा नहीं है? तो यही है, कोवी फाइटर, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है. तो ये अपना राइट आंसर था. सो बेसिकली ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चंस था ये. एंड 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड? सो इट इज इटली. इटली के पास है. ये कॉमन सेंस, कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल ही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन में सिर्फ इतना ही था पिकॉक. तो पिकॉक मैंने मार्क किया था और वही यहाँ पे राइट आंसर भी है, सबको पता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. द हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रिस्पेक्टिवली इन इंडिया. देखो ये आप करंट अफेयर्स में फ्रीक्वेंटली आप देखते रहते हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने ये रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये एज अ बिहाफ ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट दिया. वेणुगोपाल करके है ना अटॉर्नी जनरल. अब उसी ने पूछा था सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन है, कौन सेकंड हाईएस्ट नंबर पे कौन होता है. तो सॉलिसिटर जनरल सेकंड पे होते हैं एंड अटॉर्नी जनरल इज ऑन अ टॉप लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट. ओके. एंड आफ्टर दैट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो बीआर अंबेडकर. कितनी बार हमने स्टडी किया और बहुत फ्रीक्वेंटली ये रिपीट भी होता है. देन आपका नेक्स्ट है, इन 2021 इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे. सो इट वॉज 75th. राइट? हाँ, ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना था. नॉट 70, नहीं, देख लेना अभिषेक, इसका एक क्राइटेरिया है, जाके गूगल पे सर्च कर लेना. सो 75th होगा. मैंने भी रॉन्ग ही मार्क किया था, मैंने भी 74 मार्क किया था. मैंने कैलकुलेट करके मार्क किया था 74, बट बाद में मैंने गूगल करके देखा तो इट वॉज 75. तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि प्रेशर होता है ना एग्जाम में थोड़ा सा. ओके. पॉसिबिलिटी दे हैव अरेंज द पजल्स इन द टुमारो. बहुत ज्यादा पजल्स पे फोकस मत करो प्रणय. या तो पजल्स से तो नहीं पूछा है, तो पजल्स पे अभी प्रैक्टिस मत करो, ट्रेडिशनल रीजनिंग पे फोकस करो. क्रिटिकल रीजनिंग का 10 क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ, डोंट वरी. एंड ऑफ द अपने क्वेश्चन सारे रखो, वन बाई वन करके मैं सारे आंसर दूंगा, डोंट वरी. ओके. वट इज द अल्फाबेट बी सिग्निफाइंग इन द एच बी मार्क फॉर द राइटिंग पेंसिल? पेंसिल में जो बी स्टैंड फॉर द ब्लैक होता है, सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. लीगल एजुकेशन इन इंडिया रेगुलेटेड बाई, सो देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो ये अगर जिसको अंडरस्टैंडिंग होगा वो इजिली मार्क कर सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है. लोकसभा एंड राज्यसभा से रिलेटेड करके देयर वॉज वन क्वेश्चन. मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी टू ईयर्स पे चेंज होते, तो इसका आंसर यही था. एंड देखो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. मराठा एंड केसरी न्यूज पेपर वॉर स्टार्टेड बाई विच फ्रीडम फाइटर? सो राइट आंसर वॉज
ये ऑप्शन में लोकमान्य नहीं था, वहां पे सिर्फ बाल गंगाधर तिलक था, इतना ही ऑप्शन दिया था यार, ये मैंने अपने एंड से एड कर दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ऑप्शन में बस इतना ही था। एंड वेरी वेरी इज अ केस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ द विटामिन इन द बॉडी, सो आंसर वॉज ओनली विटामिन बी था वहां पे, आंसर वॉज ओनली विटामिन बी, तो ये इसका राइट आंसर। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना विटामिन ए से आंख का प्रॉब्लम होता है, एंड विटामिन बी से जो टीथ में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सब सारे हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेरी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, इजिली मार्क कर सकते हो। विच डांस हैज इट्स ओरिजिन इन द महाराष्ट्र स्टेट, सो लावणी काफी फेमस है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ, अब ये देखो ये थोड़ा सा रिलेट करके कॉमन सेंस साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो फ्लावर्स से है, अब जिसको भी अंडरस्टैंडिंग होगा मार्क कर सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। चूज द ऑड ऑन आउट, अब देखो आउट ऑफ दिस फोर विच वन इज अ डिफरेंट, क्या था वो, एक तो एडोब था जो कि एक सॉफ्टवेयर है, बीइंग एक ब्राउजर है, याहू इज अ ब्राउजर, इंडेक्स इज ऑल्सो ब्राउजर विच इज इन रसिया, ये रसिया में यूज होता है, एंड याहू और बीइंग से तो आप लोग अवेयर हो, एंड एडोब इज अ सॉफ्टवेयर, this is not a browser, so because of that it is a different, okay, which is the supreme law of India, which is a survives clear nahi aa rahi hai thoda sa, I don't think thoda sa mere end se to okay hi hai, and most of the students are saying it is clear, okay, so which is the supreme law of India, dekho answer jo tha wo yahi tha, constitution Constitution is the supreme law of India, ऐसा आंसर था, ये मैंने पूरा डिटेल्स में लिख दिया, बट आंसर वहां पे इतना ही राइट था जो मैंने भी मार्क किया था, और भी ऑप्शन थे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट करके था, एंड एक और कोई ऑप्शन था ऐसा था, बट मैंने भी यही मार्क किया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री इंडिया, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मेडल्स इंक्लूडिंग द गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, स्पोर्ट्स सेक्शन ओलंपिक से मैंने बहुत बार एक आप लोगों को सजेस्ट किया था, तो एक बार स्टडी कर लेना, इसको देख लेना, पॉसिबिलिटी है बिकॉज ओलंपिक से हो सकता है कि प्लेयर एंड प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट ऐसे क्वेश्चन आए, बट यहाँ पे उसने सीधा सीधा यही पूछ लिया कितने मेडल इंडिया को मिले, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जो मेडल मिला था आप सबको पता होगा नीरज चोपड़ा को गोल्ड का मिला था, सिल्वर में मीरा भाई चानू एंड और भी पीपल थे, फोर ब्रॉन्ज, तो टोटल सेवन मेडल इंडिया को मिला था, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर, देखो ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन था, मैं भी अवेयर नहीं था इस डेटा से, इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैंने इसमें तुक्के का ही हेल्प लिया था, और इसका राइट आंसर ये है, मुझे रिमेंबर नहीं है कि मैंने कौन सा मार्क किया था, मैंने शायद से ये वाला मार्क किया था, नो नैलियन, ओके ये वाला मैंने मार्क किया था, ओके तो ये शायद से मेरा भी रॉन्ग रहेगा क्योंकि इसका एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग हु वाज द फर्स्ट ऑर्बिट इन अर्थ, ये सिंपल क्वेश्चन था, सो लाइक का, विच इज द लार्जेस्ट सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है, फर्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश, सेकेंड वन इज महाराष्ट्र, राइट, ये हम ज्योग्राफी सेक्शन में पढ़ते रहते हैं। देखो ये एक्चुअली नंबर इसका चेंज करना भूल गया हूँ, 35 हो गया, ये हो गया 36, दिस इज द 36, दिस इज द 37, ये हो गया 38, ये हो गया 39, ये हो गया 40, करेक्ट, ये एक्चुअली जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो उसकी वजह से ऐसा हो गया, बाकी आप प्रीवियस देखोगे 35 तक यहाँ पे मैंने कवर किया है, ओके 35 तक मैंने कवर किया हुआ है, तो ये आपका 36, 37, 38, 39 ये हो गया। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डू नॉट हैव एन IIT, कहाँ पे नहीं है, तो जमशेदपुर, यहाँ पे दैट इज NIT नॉट IIT, मैंने मेंशन किया अपनी तरफ से, बट ऑप्शन वॉज दीज ऑप्शन वॉज देयर, सो जमशेदपुर वॉज द करेक्ट आंसर। ओके, राज्यसभा मेंबर रिटायर 6 ईयर, एक्चुअली सात्विक मैंने भी 6 ईयर ही मार्क किया था, बट मैंने आके गूगल पे बहुत क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था, मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी, सो आफ्टर एवरी मतलब 2 ईयर्स पे रिटायर होते हैं ना, एवरी 2 ईयर्स पे उसके मेंबर रिटायर होते हैं, मतलब एक टू थर्ड मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, राइट, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस आर देयर, ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, गाइस वांट टू आस्क एनीथिंग, चलो वन बाय वन करके देख लो क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चंस हैं,
सर कल का एग्जाम का डिफिकल्टी क्या होगा? इट विल बी इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, टाइम काफी होता है, आराम से एग्जाम देना, ट्राई करना, सब इजी इजी क्वेश्चन पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने खुद आज अपियर करके देखा, टाइम सेव होता है, बट हाँ एक्चुअली आप लोग अपियर करोगे, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लीगल के भी वन लाइनर क्वेश्चन है, और अभी उसका भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको लेटर एनालिसिस, तो लीगल से रिलेटेड करके, बाकी जीके बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, इजिली मार्क कर लोगे, जो मैंने सजेशन दिया, जो मैंने सजेस्ट किया कि आप लोग को क्या करना है, थोड़े से साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन देख लेना, ओके, हाउ आर यू एंड सम हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट अभिषेक रिगार्डिंग व्हाट सर, अभी रिसेंट में महाराष्ट्र, ठीक है, ये हो गया ओल्डेस्ट साइट पे भर्ती, ठीक है, 1/3 नंबर ऑफ द रिटायर्ड एवरी 2 इयर्स, यस 120 प्लस वेंस एंड टर्म्स ऑफ द आईएलएस, हां 125 प्लस है तो आईएलएस तो है, जीएलसी भी हो जाएगा, अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो मे बी अभिषेक डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पेपर इजी है, पेपर इजी है, इंग्लिश के बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इट मींस बहुत, मतलब आरसी तो था ही नहीं, आरसी तो था ही नहीं, एक भी आरसी नहीं था, मॉर्निंग शिफ्ट मैंने अपीयर किया, एक भी आरसी नहीं था, एंड क्वेश्चन वाज वेरी इजी, सर हाउ वाज द लीगल एप्टीट्यूड सेशन, लीगल वाज आल्सो वेरी इजी, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको रीड करने में प्रताप की बहुत ज्यादा टाइम जाए, सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, एंड पॉलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा है, पॉलिटी ओरिएंटेड इट मींस लाइक जीरो आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, टैक्सेशन भी पूछा था, डायरेक्ट टेस्ट, विच टैक्स इज इम्पोज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से उसमें टैक्सेस पूछा था, तो लीगल से वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्शन, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, मैथ आया था ना सर आज, नहीं मैथ नहीं आया था, मैथ नहीं था, जीके एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होना चाहिए, 30 प्लस तो होना चाहिए इजिली, 30 प्लस मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा कम से कम, मेरा जो आंसर आएगा, अगर से दो तीन क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं तो नियर बाई 30 से 35 के बिटवीन, ये मेरा 100% श्योर है, इतना तो आना है, उसमें अगर से 31 भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, एंड 35 तक इजिली हो जाएगा, 30 to 35, 30 प्लस इज अ बेस्ट, एंड रीजनिंग में आउट ऑफ 30 to 30 आएगा, 30 out of 30 आएगा, रीजनिंग वॉज वेरी सिंपल, वेरी इजी, जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, सिलॉस के देखो, हाँ वो भी मैं बता देता हूँ, व्हेन विल बी द रिजल्ट डिक्लेयर, वेट करो सुनील, मिल जाएगा, ओके सर कल आरसी आएगा क्या, नम्रता भी ये कैसे मैं बता सकता हूँ कल आएगा कि नहीं आएगा, बट आज में नहीं आया था, बहुत सारे मेजर चेंजेस है, आरसी भी नहीं था, एक भी आरसी नहीं था, आरसी वॉज नॉट ऑल्सो देयर, एंड पजल्स, पजल्स के क्वेश्चन भी नहीं थे, एक भी पजल्स नहीं था, ठीक है, तो सिमिलैरिटी तो है, मतलब इफ आई विल कंपेयर स्टडी पेपर लॉ सिटी 5 ईयर जो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट था, दोनों सिमिलर था, जैसा मॉर्निंग शिफ्ट का था वैसा आफ्टरनून शिफ्ट का भी था, तो पॉसिबिलिटी है जो भी इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म किया होगा तो उसी बेस पे किया होगा, तो आज का जो जैसा पेपर है वो कल का भी पॉसिबिलिटी वही है, हाँ इंग्लिश के लिए एक सजेशन है, इंग्लिश के लिए सजेशन है गाइज कि नरेशन पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अच्छे से स्टडी कर लेना, बहुत हेल्प करेगा, आई थिंक देर वॉज मोर देन 7 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम द नरेशन, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके वीडियोज अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है ग्रामर, दैट इज फाइन, नहीं किया है तो थोड़ा सा देख लेना क्या क्या बेसिक रूल होते हैं नरेशन के एंड एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज के, ओके व्हेन विल द रिजल्ट, ठीक है ये हो गया सर, ये हो गया शुगर एंड कल का, कल आ सकता है मैथ, मैथ का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक आध क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ तो है ही नहीं ना सर महाराष्ट्र, ठीक है इंग्लिश 50 मार्क्स का क्या क्या कवर किया, इंग्लिश का भी डिटेल्स मिल जाएगा विवेक, डोंट वरी, शुभम क्या है ये शुगर केन, चेक करो ना, चेक किया मैंने, यूपी ही दिखा रहा है, मैंने चेक किया यूपी ही दिखा रहा है,
शुभम चेक करो, यूपी भी अभी भी दिखा रहा है सर। इंग्लिश में कितना सर शुगर केन बताइए सर। शुगर केन का देखो मैंने भी यूपी मार्क किया था और अभी आके मैंने चेक किया तो यूपी ही दिखा रहा है, महाराष्ट्र तो नहीं दिखा रहा है। आप चेक कर लो ठीक है सर। इंग्लिश में कितना एक्सपेक्टेड है, ग्रामर ज्यादा आया था? हाँ ग्रामर ज्यादा आया था, ग्रामर के क्वेश्चंस काफी थे। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एंड नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज होती है उस पर क्वेश्चन था। एंटोनिम्स एनोनिम्स के क्वेश्चन थे एंड एरर डिडक्शन के एक दो क्वेश्चन थे। जंबल नहीं था, जंबल वाले क्वेश्चन नहीं थे, आरसी नहीं था। वो सारे डिटेल्स अभी आपको नेक्स्ट एनालिसिस में मिल जाएगा। सर टेंस पर क्वेश्चन आया था क्या? हाँ टेंस मतलब देखो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पर जो चेंज होता है ना वही उसी के बेस पे था। रीजनिंग कितना आया था? रीजनिंग 30 मार्क्स का था, 30 मार्क्स में जो सिलोइज्म 4 मार्क्स का था, अल्फाबेट टेस्ट 1 मार्क्स का था, आर्गुमेंट स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट 4 मार्क्स का था, ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का था, डायरेक्शन 1 था, क्लॉक एंड कैलेंडर से 3 क्वेश्चन था और सीरीज से 2 क्वेश्चन था। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन था एंड 2 क्वेश्चन विजुअल रीजनिंग पे था। अगर से आपको दिख पाएगा यहाँ पे तो देख सकते हो ये ऐसा बॉक्स वाइज जो होते हैं। सर रीजनिंग भी डिस्कस करिए ना प्लीज। रीजनिंग का ही बता रहा हूँ, क्लॉक एंड कैलेंडर 3 था, स्टेटमेंट आर्गुमेंट 1 था, डायरेक्शन 1 था, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। वीडियो को बाद में देख लेना, मैं थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूँ। सिलोइज्म के 4 क्वेश्चन थे, अल्फाबेट टेस्ट का 1 क्वेश्चन था, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के 4 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट अजम्पशन के 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे ठीक है, फिगर पे 1 क्वेश्चन था, ओड मैन आउट के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चन था, एनोलॉजी पे 2 क्वेश्चन था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल सिंपल। रीजनिंग का लेवल कितना था? बहुत ईजी था। जिसने भी अगर से मैनूवर का जो भी सेशन अटेंड किया होगा या फिर जो भी हमने टीच किया आप लोगों को, उस लेवल से आप विद इन द सेकेंड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो मैथड एक्सप्लेन किया। अदरवाइज इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि कॉम्प्लिकेटेड कि आप ना कर पाओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा जो होगा ना 30 out of 30, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग में रॉन्ग हो जाए, बट ट्रेडिशनल रीजनिंग में सारे क्वेश्चन राइट होंगे। यस तेजस्वी करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट वेमेन, रिमेंबर रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तेजस्वी सी इज द फर्स्ट वेमेन ना। इंग्लिश का लेवल इजी था, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। ओके गाइस, सो और भी जितने स्पेसिफिक जो आपके डाउट होंगे इंग्लिश से, स्पेसिफिक डाउट होंगे लीगल से, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट एनालिसिस विल बी, तो वहां पे आप पूछ लेना। करेंट अफेयर्स से देखो, करेंट अफेयर्स में बोल रहा हूं ना, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कम थे, बट मैनुअर की जो बुक 1000 क्वेश्चन है ना, मैनुअर की जो स्टैटिक बुक है, मैनुअर का जो 1000 क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चंस काफी आए, काफी क्वेश्चन आए। वर्ड एनोलॉजी रिया कल के लिए क्या करें? कल के लिए मैं एक सजेशन करूंगा, अगर आपके पास स्टैटिक की बुक है ना तो वहां से थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। पजल्स को लेकर के वरी मत रहो, इंग्लिश को लेकर के वरी मत रहो। इंग्लिश के लिए आप नरेशन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देख लो, बाकी आपने अभी तक तो स्टडी किया ही होगा ना, ऐसा तो नहीं किया, नरेशन देख लो, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा अपडेट कर लो। और जीके के लिए मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग साइंस ओरिएंटेड जीके की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? करंट अफेयर्स का बता दो सर आंसर। मैं बोलूंगा कि करंट अफेयर्स अभी रहने दो, अभी करंट अफेयर्स मत पढ़ो, थोड़ा सा जो टाइम बचा है स्टैटिक पे दे दो ठीक है। करेंसी वाला एक चैप्टर करेंसी वाला कवर कर लो, एक चैप्टर इंस्ट्रूमेंट वाला कवर कर लो, और एक चैप्टर फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट डिफरेंट फील्ड में है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कवर कर लो, थोड़ा सा एक बार देख लो। सर वो लेक्चर में तो 1000 क्वेश्चन है ना, उसमें से किया है वो है, हाँ, डोंट वरी है, हाँ, वो है, डोंट वरी। टॉपर्स मार्क्स मेरे हिसाब से 140 प्लस आएगा,
140 प्लस ही होगा, 142, 143, 145 तक भी जा सकता है, टॉपर 140 के नियर बाई हो सकता है। एक आध मार्क्स कम भी हो गया तो ऐसा नहीं है, बट नियर बाई 140 तक जाएगा जो भी टॉपर होगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज पेपर एनालिसिस। मैंने जीके के एक्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आप लोग देख लो कौन से आंसर करेक्ट है, कौन से आंसर रॉन्ग है, एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2023 एंड 2024 के लिए इट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। वो देख सकते हैं व्हाट इज द पेपर, पेपर पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो गाइस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2023-2024 एंड इफ यू आर महाराष्ट्र सॉरी मुंबई, सो आप क्लासरूम के लिए इंक्वायर कर सकते हो फॉर बोरीवली, वसई एंड दादर। एंड इफ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ मुंबई, सो लाइव क्लास के लिए इंक्वायर कर सकते हो ऑन दिस नंबर 8828581455 एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबके सबको अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू अपडेट चाहिए ना रिलेटेड टू टिल कैप राउंड, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना हाँ, बिकॉज काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि नहीं मिलते, टाइप यस अगर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते हैं तो, राइट। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। एंड ये जो पेपर है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी आफ्टर एंड ऑफ द सेशन मैं पुट कर दूंगा, तो जिसको भी विजिट करना रहेगा वो जाके वहां पे भी देख लेगा, सारे क्वेश्चन आंसर वहां पे मिल जाएंगे उस लिंक पे। तो आफ्टर एंड ऑफ द लेक्चर जब भी हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा तो वो लिंक वहां पे मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। ईजियर देन 2021, यस इट वॉज ईजियर। ओके, सो होप सो सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो जितने लोग हो एक बार लाइक तो कर सकते हो, फटाफट एक लाइक तो बनता है, राइट। सो गाइस, होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन इवेल्युएट, एंड मोर बेनिफिशियल फॉर whom those who are going to appear tomorrow as well as those who are going to appear the next year, right? Chalo everyone, bye bye, and wait karo second session ka, that is also very beneficial, jisme aapko English, reasoning and legal ke sare analysis mil jayenge. Okay, so like and subscribe, don't forget. Chalo everyone, bye bye and Jai Hind.